नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रहा हूँ और उनके विस्तार से आंसर बताए जा रहे हैं। इस तरह के हम लोग अभी तक 7 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 8वां टेस्ट है और कई लोगों का सवाल है कि वो इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो याद रखिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें आप लोग। जो घंटी टाइप की आपको दिखती है ना सब्सक्राइब करने के बाद, तो उसे आप लोग प्रेस कर लें। तो वहाँ आपका, जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी वीडियो अपलोड हुआ करेगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। और वैसे भी याद रखिए कि सुबह आपका सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए आपकी टेस्ट आता है और शाम को आपका 1 डे एग्जाम का आता है, ठीक है। और बाकी आप देखते हैं कि जो भी करेंट में आपके एडिटोरियल रहते हैं उन पर भी हम लोग बात करते रहते हैं। NCERT आपकी लगभग ख़त्म होने वाली है, तो वैसे भी आप लोग जब भी आते हैं जब प्लेलिस्ट सूची जरूर देख लिया करिएगा। उसमें मैं इतना मटेरियल दे चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि आपको 1 रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लें, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना निकल सकते हैं आप लोग, उसमें ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो और इसकी सभी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ वैसे भी आपकी सभी NCERT की PDF डाल दी गई और भी जो आपके लिए ज़रूरी है उन सबको डाल दिया गया। चलिए, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके इस तरह के जिस भी परीक्षा में पूछे जाते हों, फिर चाहे आपका MPPSC हो गया, UPPCS, BPCS, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चन जरूरी रहेंगे, ठीक है। इस प्रकृति के क्वेश्चन जिस भी परीक्षा में आपके पूछे जाएं, समझ रहे हैं, किसी भी परीक्षा हो कोई भी। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भगवान महावीर जी, आप जानते हैं कि जैन धर्म के ये महावीर हैं। भगवान महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह शाक वंश के थे, गलत है। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थ करते, गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख रहे हैं कि ना तो एक सही है ना दो सही है, यानी कि दोनों गलत हैं। याद रखिए इस पॉइंट को, आप लोग मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस पॉइंट को आपसे 1 से 2 बार पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हुए भी इस पॉइंट की वजह से हम लोग गलत कर बैठते हैं। अभी आप ही देखिए, अगर यहाँ लिखा होता कि सही नहीं है तो आप दोनों पर लगा देते, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सही है, तो वैसे भी आप देख रहे हैं सही नहीं है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही। आखिर सही क्या है इसमें, उस पर बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में इन्हें भगवान मानते हैं लोग, ठीक है। महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश के थे और महावीर जयंती, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। इनका जन्म का प्रतीक मनाया जाता है, एक जन्म के प्रतीक के रूप में महावीर जयंती मनाते हैं। आप अगर जैन धर्म से जानते हैं तो उसमें आप देखते रहते हैं, और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थ करते, 23वें नहीं 24वें। अगर 23वें की बात करें हम, तो ये पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। जैन शब्द जिन शब्द से आयता है, जैन जो शब्द है ये जिन शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है, विजेता। इसमें आप देखते हैं कि जैन धर्म में 5 महाव्रतों यानी कि प्रतिज्ञाओं की बात भी की जाती है। उसमें आप देखते हैं अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, चोरी ना करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो 5वां महाव्रत है इसे किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने, ठीक है। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग, डी ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है क्वेश्चन, शनि के चंद्रमा टाइटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। यह सौर मंडल के सभी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी के अलावा यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसकी सतह पर स्थिर तल पाया जाता है, कि हाँ ये सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दूसरा कथन सही है। आप इन्हें भी पढ़कर, पहले इन कथनों को पढ़कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पहले इस कथन को भी पढ़कर सॉल्व कर सकें, जैसी भी आपको सुविधा लगे उस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखिए NCERT आप लोग कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ लें समय रहते हुए, क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और इन्हें जब तक नहीं पढ़ोगे आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि आपकी सोच विकसित हो पाएगी। और ठीक है आप प्रीलिम्स निकल जाए, लेकिन मेंस
कभी नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लें, और ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, आप NCERT जैसे पॉलिटी को ही ले लीजिए, NCERT पढ़िए पॉलिटी की, और आप बाकी एक स्पेशल बुक्स ले सकते हैं जैसे आपका M लक्ष्मीकांत है, इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। बस बाकी इतना काफ़ी मटेरियल है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें पहला गलत क्यों है आखिर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टाइटन शनि के सभी चंद्रमाओं में बड़ा है, शनि के, लेकिन आप जानते हैं कि बृहस्पति के जो गैनीमेड है ये सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है, और जो टाइटन है ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन टिक करेंगे, क्या करेंगे, बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्या है क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है हमें। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, सही बात है। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप देख रहे हैं कि पहला कथन सही है। पूरा खेल रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इस लाइन का, क्योंकि आपने देख लिया है कि ये दोनों, इसमें पहला कथन सही है दूसरा गलत है। अगर आपसे यह पूछ लेता कि सही नहीं है तो आप लगाते क्या, बी ऑप्शन, लेकिन आपको मालूम है कि पूछ रहा है सही है तो आप लगाएंगे ए ऑप्शन, ठीक है। दूसरा आखिर गलत क्यों है, तो इस पर भी बात करते हैं। पहले कुछ पॉइंट बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र आम सभा जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इसने 1990 में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण सदस्य भी है हमारा भारत। तो भारत ने कब से शुरू किया इसे, 2005 से भारत भी प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाता है, और जो भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है ये वृद्धजनों के हितों के लिए नोडल मंत्रालय, कौन सा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है, ग्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किससे, ग्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें दो अलग अलग पौधों के कटे हुए तने एक जड़ के साथ और दूसरे जड़ के बिना इस तरह से एक साथ जुड़ जाते हैं कि दोनों तने एक ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं, सही है। यह पौधे की पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करता है तथा उपयुक्त रूट स्टॉक्स के साथ मिट्टी जनित रोगों के प्रतिरोध को विकसित करता है, ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप देख रहे हैं एक कथन भी सही है आपका और दूसरा कथन भी आपका सही है, यानी कि इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। इसे आप लोग ग्राफ्टिंग को कलम बांधना भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, उद्यानिकी की एक तकनीक है जिसमें एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे की ऊतकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं जिससे दोनों वाहिका ऊतक आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से आलिंगिक प्रजनन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या लगाएंगे, सही पूछ रहा था तो आप लगाएंगे सी ऑप्शन, क्या, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत का नकारात्मक द्विपक्षीय व्यापार संतुलन है, यानी कि व्यापार घाटा हमारा किस किस के साथ है, तो चीन के साथ आप देखेंगे, दक्षिण कोरिया के साथ भी देखेंगे, USA इसके साथ नहीं, UK इसके साथ भी नहीं, सऊदी अरब इसके साथ भी है आपका, सही कूट चुनना है तो 1, 2 और 5 इसमें होगा। वैसे आपको बता दूं, भारत के व्यापारिक भागीदारों में अगर बात करें तो शीर्ष 5 देश जिनसे भारत का नकारात्मक द्विपक्षीय व्यापार संतुलन है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा इनसे आयात करते हैं लेकिन निर्यात कम करते हैं, जैसे चीन हो गया, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक, दक्षिण कोरिया। कहने का सीधा सा मतलब ये है व्यापार घाटे का कि आप किसी देश से 100 रुपये की वस्तु खरीद रहे हैं
उसे 10 रुपये की वस्तु बेच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 90 रुपये का आपको घाटा है। ठीक है, और अगर हम लोग शीर्ष 5 देश जिनके साथ भारत का अधिशेष व्यापार संतुलन में है, यानी कि ठीक ठाक स्थिति में है, इसमें आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, ब्रिटेन, ठीक है, चीन के साथ भारत का सबसे ज़्यादा अधिक घाटा देखा जाता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर आपके यहाँ 4 फोन बिक रहे हैं तो उनमें से देखते हैं 3 कंपनी कहाँ की होती हैं, चाइना की। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना आयात करते हैं हम लोग चाइना से, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, इसमें लगाएंगे आप सी ऑप्शन, क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है, मेक इन इंडिया 2.0 के तहत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की चैंपियन सेक्टर के रूप में पहचान की गई, एक तरह से फोकस क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। तो इसमें आप देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी, चमड़ा और जूता, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, इन 5ों को शामिल किया गया है आपको इसमें, इसका 5ों को शामिल किया गया और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे 5ों सही है। वैसे आपको बता दें कि औद्योगिक निष्पादन को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। सरकार ने चैंपियन सेक्टर की पहचान की और जिसके पास वैश्विक चैंपियन बनने की, विनिर्माण में 2 अंकों की वृद्धि करने की और महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता है। इन क्षेत्रों में अगर हम लोग मेक इन इंडिया 2.0 संस्करण के तहत फोकस वाले बिंदुओं की बात करें तो आप देखेंगे पूंजीगत वस्तुएँ, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट, रक्षा तथा अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि निर्माण एवं चिकित्सीय उपकरण, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड तथा मैन्युफैक्चरिंग, चमड़ा तथा जूता, वस्त्र तथा परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, नौ परिवहन तथा रेलवे, ये सभी इसके फोकस बिंदु हैं। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग, डी ऑप्शन सही होगा, 5ों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है, विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विनिवेश का तात्पर्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से अपनी अंशधारिता के बेचने या परिसमापन करने से है। हाँ बिल्कुल सही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग विनिवेश हेतु नोडल एजेंसी है, ये आपका गलत है, क्या है, ये गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका एक कथन, केवल एक कथन सही है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। याद रखिए विनिवेश का मतलब सीधा सा, आप लोग इसमें ज़्यादा झंझट में मत पड़िएगा, विनिवेश का मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप सरकार हैं और आपके अंडर में कोई कंपनी आप चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी 100% हिस्सेदारी है, तो आप क्या चाहें कि 10% 20% दूसरे लोगों को बेच दें अपनी हिस्सेदारी, तो इसे ही विनिवेश कह देते हैं आप एक तरह से। ठीक है, और वित्त मंत्रालय के अधीन आप देखेंगे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग विनिवेश के लिए एक नोडल एजेंसी है, कौन सा, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसे आप लोग कह देते हैं DIPAM। ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्या अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन हमें चुनना है, क्या चुनना है, सही कथन चुनना है। यह दिवालियापन पेशेवरों के ऊपर नियामकीय निगरानी रखता है, बिल्कुल सही बात है, यह लेन देन के लिए नियम बनाता है और उन्हें लागू करता है, जैसे संहिता के अंतर्गत कॉरपोरेट शोधन अक्षमता समाधान, कॉरपोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत शोधन अक्षमता समाधान और व्यक्तिगत दिवाला, इसे भी, ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों कथन आपके कैसे हैं, सही हैं, एक भी सही है और 2 भी सही है। आप सोचिए कि अब 47 जा रहा है कटऑफ सिविल सर्विस का, आपका प्रीलिम्स का क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके आते हुए भी क्वेश्चंस हर कोई गलत कर बैठता है, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। और जब हम लोग परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि इतना घबराहट सी भी होती है,
तो आपको बड़े धैर्य रखकर लिखना है जो भी करना है, ठीक है। और गोला लगाते वक्त भी आप लोग बड़ा ध्यान रखा करिएगा, पूरे फ्री होकर जाया करिएगा, ठीक है। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का गठन 1 अक्टूबर कब, 1 अक्टूबर 2016 को हुआ था, किसके तहत, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत इसका गठन किया गया था, ठीक। यह एकमात्र नियामक है जो पेशे के साथ साथ प्रक्रियाओं को भी नियमित करता है। इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, सी ऑप्शन। और याद रखिए, 2 ही 4 क्वेश्चन का फर्क रहता है, 1-2 क्वेश्चन का ये आपको कट ऑफ से बाहर कर देता है, समझ रहे हैं आप लोग। और एक बार कट ऑफ से बाहर होने का मतलब है कि 1 साल फिर से इंतजार करिए आप लोग। देखता हूँ कई बार कि जिनके प्रीलिम्स कभी नहीं निकलते हैं उनके मेंस निकल जाते हैं, एक आध बार आप सोचिए, कई बार सुनते भी रहते होंगे आप लोग कि प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया वो, और वो मेंस दूसरी बार तीसरी बार जब वो मेंस प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस में तुरंत पहली बार में हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास खुले आंसर होते हैं मेंस के लिए, कि आपकी सोच समझ है और आप न्यूज़पेपर से और NCERT से जुड़े हुए रहे हैं। तो इसीलिए तो कहता हूँ 3 से 4 बार कम से कम NCERT पढ़ लीजिए, ठीक है। किससे, इससे आपकी नींव मजबूत, एक तरह से आप जो सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि जो शब्द होते हैं वो आपको समझ में आ जाए और आप आंसर राइटिंग बेहतर कर पाए। आप जैसे समझिए आप लोग कि दिल्ली के बारे में आपको लिखना है तो आप बहुत पॉइंट लिख सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आपका मेंस मतलब एक आपकी सोच आपकी जो विकसित होती है उसी के आधार पर आप लिखते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में क्या रहता है कि आप अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ये आपके विषय है और दिवस है। कहने का मतलब है कि इस तरह आपके दिवस दिए गए हैं और डेट दी गई है, तो आप देखेंगे कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस 24 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, तीनों कथन आपके सही है। और क्या पूछ रहा है, हमें सही ही बताना है, सही सम्मिलित करना है। तो इसमें आप देखेंगे 1, 2 और 3 तीनों सही है, क्या है, तीनों सही है। आप लोगों को पता होगा कि यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पुस्तकों में रुचि और पढ़ने की कला को बढ़ावा देने का एक अवसर है। यूनेस्को ने विलियम शेक्सपियर, मैगुअल, सर्वेंट सहित महान साहित्यकारों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से 23 अप्रैल को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इनकी आपने देखा है कि इन सभी साहित्यकारों की मृत्यु इसी दिन हुई थी। और अगर आप राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस की बात करूं तो भारत के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल आपका 24 अप्रैल को राष्ट्रीय स्थानीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सन 1993 में इसी दिन आपने देखा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 लागू हुआ था, इसलिए इसे मनाते हैं। और अगर हम लोग 7 अप्रैल की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है, उसकी स्थापना इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए उसी की याद में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मना देते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, डी ऑप्शन, क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, वाल्टिक ड्राई इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वाल्टिक ड्राई इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नौवहन और व्यापार से। वाल्टिक ड्राई इंडेक्स लंदन स्थित वाल्टिक एक्सचेंज द्वारा निर्मित नौवहन और व्यापार सूचकांक है जो कच्चे माल के परिवहन की लागत में परिवर्तन को मापता है आपका, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, व्यापार समझौता और ये विवरण दिए गए हैं, व्यापार समझौता और विवरण।
आप भी सुनते रहते हो कि हमारा इस देश से मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, साझा व्यापार समझौता हुआ है, सीमा शुल्क समझौता हुआ है, समझ रहे हैं? मुक्त व्यापार समझौता गैर सदस्यों के साथ व्यापार हेतु सदस्यों द्वारा सामान्य बाह्य शुल्क विशुल्क दरों को बनाए रखना गलत है। साझा बाजार सदस्य देशों के बीच उत्पादन कारकों का अपेक्षाकृत मुक्त संचलन, ये आपका सही है। सीमा शुल्क संघ सदस्य देश समष्टि आर्थिक एवं तथा विनिमय दर नीतियों को समन्वित करते हैं, ये आपका गलत है। इसमें आप देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, कौन सही सम्मिलित है, तो आप देख रहे हैं कि दूसरा कथन केवल सही सम्मिलित है, बाकी एक और तीन गलत है। एक तीन गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेता हूँ। व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच, दो देशों भी हो सकते हैं और इससे अधिक भी देश हो सकते हैं, इनके बीच एक अनुबंध, एक तरह से आप समझौता भी कह सकते हैं, एक तरह से आप संधि भी कह सकते हैं। ये क्या बताता है कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए वे एक साथ कैसे काम करें कि उन्हें लाभ हो, या द्विपक्षीय हो या फिर बहुपक्षीय हो सकता है आपका। अधिमान्य व्यापार समझौतों PTA की विस्तृत श्रेणी के भीतर आपको 5 रूपों में अलग तरह के समझौता दिखाई देंगे। इसमें आप देखते रहते हैं कि आंशिक सीमा समझौता, जिसे आप लोग PSA भी कह देते हैं सामान्य तौर पर, एक PSA की सीमा में आंशिक, जिसका अर्थ होता है कि ये वस्तुओं के बीच कम संख्या में व्यापार के लिए अनुमति देता है। दूसरा आप सुनते रहते हैं मुक्त व्यापार समझौता, जिसे आप लोग सामान्यतः FTA कहते हैं, FTA जिसमें सदस्य आपस में व्यापार पर टैरिफ कम करते हैं, जबकि गैर सदस्यों के साथ व्यापार के लिए अपनी टैरिफ दरें बनाए रखते हैं। फिर आप सुनते रहते हैं कस्टम यूनियन, एक कस्टम यूनियन एक संघ होता है जिसमें सदस्य गैर सदस्यों से आयात के लिए एक सामान्य बाह्य टैरिफ अनुसूची लागू करते हैं। एक आप कॉमन मार्केट भी सुनते रहते हैं, यह एक कस्टम यूनियन है जहाँ उत्पादन के कारकों की गतिशीलता सदस्य देशों के बीच अपेक्षाकृत मुक्त होती है। फिर एक शब्द और रहता है आपका आर्थिक यूनियन, या एक सामान्य बाजार है जहाँ सदस्य देश मैक्रो इकोनॉमिक और विनिमय दर नीतियों का समन्वय करता है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल दो कथन सही था, तो बी ऑप्शन सही है आपका। क्या है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने शहरी और आधारभूत अवसंरचना में सुधार के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत जिसे बोल देते हैं, शुरू किया गया है। अमृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है आपका। अमृत परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में राज्यों को समान साझेदार बनाया गया है, बनाता है, बिल्कुल सही बात है। हृदय योजना के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहरों नगरों को अमृत के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ये भी आपका सही है। और पूछ भी क्या रहा है, सही ही कथन पूछ रहा है, तो एक भी सही है, दो भी सही है। और वैसे आपको अमृत योजना के बारे में, इसके बारे में बता दूं, तो ये आपका अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग, इसकी स्थापना अपनी लॉन्च कब हुई थी ये योजना, 2015 में, कब, 2015 में से लॉन्च किया जा रहा था। और मिनिस्ट्री की बात करें मंत्रालय की, तो आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसका क्रियान्वयन कर रहा है, इसी ने इसे जारी किया था। और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे मोदी साहब की एक अच्छी तरह से आप कह सकते हैं इनकी योजनाएँ हैं, ये यही चाहते थे। एक हृदय की भी आप सुनते रहते हैं, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये आपकी 2015 में ये भी शुरू हुई। तो ये भी आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आती है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें आप देखेंगे कि सी ऑप्शन सही था, दोनों कथन आपके बेहतर सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्या है, कंपोजिशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कंपोजिशन स्कीम
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कथन चुनना है। क्या है? या जीएसटी के तहत कर लाभ का एक वैकल्पिक उपाय है, जैसे छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने और अनुपालन लागत को कम करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है? ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके तहत कोई व्यक्ति टर्नओवर पर सामान्य प्रतिशत की दर पर हर महीने का भुगतान करने की बजाय सामान्य दर तिमाही भुगतान कर सकता है। यह आपका क्या है? सही नहीं है, गलत है। बताऊंगा क्यों गलत है, उस पर भी बात करेंगे। यह उन निर्माताओं या व्यापारियों पर लागू है होता है जिनका कर योग्य व्यवसाय या कारोबार 1.5 करोड़ रुपए तक का हो। ये आपका सही है। सही कथन हमें चुनना है खुद। तो आप देख रहे हैं 1 और 3 सही है। दूसरा आपका गलत क्यों है, इस पर भी बात करता हूँ। याद रखिए, इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि जिस व्यवसाय या व्यक्ति ने इस योजना के तहत कर भुगतान का करने का विकल्प चुना है, वह हर महीने एक सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के बजाय प्रत्येक तिमाही में टर्नओवर पर सामान्य प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकता है। एक बार और सुन लीजिए, इस योजना की प्रमुख विशेषता यही है, जिस व्यवसाय या व्यक्ति ने इस योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुना है, वह हर महीने के एक सामान्य दर पर कर का भुगतान करने की बजाय वो प्रत्येक तिमाही में टर्नओवर पर सामान्य प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकता है। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? सी, यानी कि 1 और 3 विकल्प सही था, दूसरा गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 12 जुलाई 1982 को RBI के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित कर इसकी स्थापना की गई। ये बिल्कुल सही है आपका। यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। ये भी आपका सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पूरी हिस्सेदारी नाबार्ड में ही विभाजित की है। नहीं, ये आपका गलत है। और इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 3 कथन सही नहीं है इसमें, बाकी 1 और 2 सही है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त कार्यों के अंतर्गत द्वारा, इसे याद रखना, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जिसे आप लोग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे सामान्य तौर पर आप लोग नाबार्ड कर देते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, RBI की जो आपकी केंद्रीय बैंक है, इसने नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक, इन दोनों में अपनी पूरी हिस्सेदारी विभाजित की हुई है। किस किस में? नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक में। RBI का यह निर्णय नियामक संस्थानों में क्रॉस होल्डिंग को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। RBI द्वारा दूसरी नरसिम्हम समिति की सिफारिशों को का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो इसमें आपका दूसरा सही था। याद रखिए, वैसे भी बता भी चुका हूं कि RBI की स्थापना कब हुई,
1 अप्रैल 1935 में अंग्रेजों के समय। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपका केवल 3 सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 3 मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप एक तरह से 3 इसे मान लीजिए, ठीक है, 2 की जगह 3, तो यही आप टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीसरा कथन सही नहीं है। अगर आपसे सही पूछता तो 1 और 2 सही था आपका, तो आप क्या लगाते? सी। लेकिन तीसरा कथन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अंडे देने वाले स्तनधारियों को अंडजस्तनी मोनोट्रम के रूप में जाना जाता है। यह वाक्य बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। अंडे देने वाले स्तनधारियों को क्या कहते हैं? अंडजस्तनी मोनोट्रम के रूप में जानते हैं। वर्तमान में आप देखेंगे केवल 5 जीवित मोनोट्रम प्रजातियां पाई जाती हैं। बतख जैसी चोंच वाले फिलेटेपस और एकीडना की 4 प्रजातियां जिन्हें स्पाइन एंटी वर्स भी कहा जाता है। मोनोट्रम स्तनधारियों सरीसृप और पक्षियों की तरह का आदिम रूप है, क्योंकि ये जीवित बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं। मोनोट्रम स्तनधारियों का आदिम रूप है, क्योंकि ये जीवित बच्चों को जन्म देने के बजाय क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद अंडे देते हैं, ये भी सही है। ये भी आपका क्या है? सही है। अंडजस्तनी मोनोट्रम केवल सेल्स और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ये भी आपका क्या है? सही है। ये कहाँ कहाँ? केवल सेसल्स और न्यू गिनी में आपके को देखने को मिलेंगे। कहाँ? सेसल्स और न्यू गिनी में। सही कथन पूछ रहा है इसमें, तो इसमें आप लगाएंगे क्या? सेल्स और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। इसमें आपके 1, 2, 3 कथन सही है, तो इसे आप लोग 3 कर लीजिए। इसे पता नहीं क्यों इस बार मिसप्रिंट हो गया, छप गया, या तो मुझसे गलती हुई। चलिए इसमें 3 आपके कथन क्या है? सही है। डी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग, सॉरी ए ऑप्शन। अगर आपके भी दिमाग में रहता है, आप बेहतर इसका व्याख्या कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, खुला हुआ है आपको, ठीक है। क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है, और सिविल सर्विस में कोई भी आप लोग देखते हैं कि जब आपकी आंसर की आती है तो कोई भी हो सही आंसर नहीं बता पाता है। आपने देखा होगा जो कोचिंग वाले आंसर बताते हैं उनमें से भी कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो कोशिश रहती है कि पूरी सही आंसर बताया जाए, फिर भी अगर गलत हो जाता है धोखे से तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। एक परिवार की तरह हम लोग जुड़े हुए हैं, और एक परिवार की क्या मदद होती है? कि एक दूसरे की मदद करते रहिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। कर GDP अनुपात किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व का अनुपात है। बिल्कुल सही है। पिछले दशक में भारत के कर GDP अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है। ये आपका गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा सही है? तो आप देख रहे हैं कि केवल 1 कथन सही है। कर GDP अनुपात टैक्स टू GDP रेशियो किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व का अनुपात होता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP एक निश्चित अवधि के दौरान देश की अर्थव्यवस्था द्वारा
उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल है। इस पॉइंट को याद रखिए, अंतिम वस्तु वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल होता है। मध्यस्थ वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अंतिम वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं को जीडीपी के दायरे से बाहर रखा जाता है। सीधा सा कहने का मतलब है कि ये चक मान लीजिए, ठीक है, इसमें मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, कार्य बन रही है, चाहे विदेशी कंपनियां बना रही हो, कोई भी बना रहा हो, तो ये आपका जीडीपी में जुड़ेगा। और इसमें क्या जोड़ा जाएगा, अब आप सोचेंगे कार का जो टायर है उसका अलग जोड़ दिया जाए, स्ट्रिंग का अलग जोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो कार बनती है पूरी तैयार होकर जो अंतिम मूल्य रहता है उसे ही जोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिए। आप सोचिए कि टायर का अलग जोड़ते, फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसलिए अंतिम मूल्य रखते हैं इसमें। तो इसमें केवल आपका ए ऑप्शन सही है। कर अधिक और कर लोच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। कर अधिक और कर लोच, कर अधिक का तात्पर्य जीडीपी में परिवर्तन लाने के लिए कर राजस्व वृद्धि की जवाबदेहिता से है, सही है। जब कोई कर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो कर दर में वृद्धि के बिना इसका राजस्व बढ़ जाता है, ये भी सही है। कर लोच, कर दर में परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में कर राजस्व में परिवर्तन को संदर्भित करती है, ये भी आपका सही है। और पूछ क्या रहा है, उपयोग कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप क्या लगाएंगे, तीनों कथन बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आपको लगाना होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में किन वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त रखा गया है। जलीय भोजन, आप जानते हैं इसे भी रखा गया है, कच्चा जूट, ब्रांडेड प्राकृतिक शहद, इसे नहीं रखा गया है, इसे शामिल किया गया है, मुरमुरा, इसे भी शामिल किया गया है। सही कूट आपको चुनना है तो एक, दो और चार सही होगा, क्या होगा, सही होगा। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर कि कई चरणों कि कई चरणों वाला लक्ष्य आधारित कर जिसे प्रत्येक मूल वृद्धि पर आरोपित किया जाता है। वस्तु ये जीएसटी आपका इसलिए लाया गया है क्योंकि जो अप्रत्यक्ष कर था उसे अब एक जगह करके जोड़कर ले लिया जाता है। इस पे अगर मुक्त यानी कि बाहर की वस्तुओं की बात करें तो इसमें देखेंगे आप लोग ये सभी वस्तुएं, आज जलीय भोजन हो गया, दही हो गया, स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्य यंत्र, मुरमुरा, पूजा सामग्री, कच्चा जूट, बिना ब्रांड वाला आटा मैदा, बिना ब्रांड वाला बेसन, बिना ब्रांड वाला प्राकृतिक शहद, खुला अनाज और खुला अनाज, मोटा अनाज, इसे सबको शामिल किया गया है आपका इसके तहत। 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया था जीएसटी को। ये कुछ सामान्य आपकी बातें होती हैं, इनके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, सी ऑप्शन सही है, क्या है, सी ऑप्शन सही है। आप देखते हैं कि अभी पेट्रोल पेट्रोलियम जो भी पदार्थ है और जो आप देखते हैं कि शराब है, इसे भी इससे बाहर रख दिया गया है। अभी आप देखते हैं कि सरकार इस पर कर लगाने की बात करती है, आप देखते हैं कि समझ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। एसटीटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो देश में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए गए योग्य प्रतिभूति लेन देन के मूल पर देय है, गलत है। एसटीटी के तहत कराधान की तरह सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए समान है, ये भी आपका गलत है। पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है कथन, तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है। सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेता हूँ। प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी
भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध जो प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के समय लगाया जाने वाला कर होता है। एसटीटी देश में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए गए एक कर योग्य प्रतिभूति के लेन देन मूल पर देय प्रत्यक्ष कर होता है, ना कि अप्रत्यक्ष। एसटीटी के लिए कराधान की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह प्रतिभूति एवं लेन देन चाहे वो खरीद की हो या बिक्री की हो के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिए, यह कर वर्ष 2004 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था और 1 अक्टूबर 2004 से लागू भी कर दिया गया था। तो इसमें ना तो एक सही था ना ही दो आपका सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कानूनों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस विधेयक को मंजूरी दी है? केंद्रीय जीएसटी विधेयक सही है, एकीकृत जीएसटी विधेयक ये भी शामिल है, केंद्र शासित जीएसटी विधेयक ये भी शामिल है, क्षतिपूर्ति विधेयक इसे भी शामिल किया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि चारों को शामिल किया गया है। क्या किया गया है? चारों को शामिल किया गया है। सरकार ने वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी कानूनों में सुधार करने के लिए चार विधेयक को मंजूरी दी है ताकि सरलीकृत प्रतिफल प्रदान किया जा सके, यानी कि सरल से सरलता से इसका समाधान किया जा सके। केंद्रीय जीएसटी की बात विधेयक की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाली वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाने और उसके संग्रहण के लिए कर व्यवस्था निर्धारित करता है। एकीकृत जीएसटी विधेयक की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच गई वस्तुओं या फिर सेवाओं की आपूर्ति पर लेवी और जीएसटी के संग्रह हेतु कर व्यवस्था का निर्णय करते हैं। और केंद्र शासित जीएसटी विधेयक की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें आपका विधायिका नहीं है, आप देखते हैं जिनमें विधायिका नहीं है, इसमें आप देखेंगे पुडुचेरी, दिल्ली और जो आपका जम्मू कश्मीर नया बना हुआ है, यहाँ आपने देखा है कि विधायिका है यानी कि विधानसभाएं हैं, जहाँ नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेशों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाने और संग्रहण के लिए कर व्यवस्था को व्यवस्थित करना। क्षतिपूर्ति विधेयक, राज्यों को 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले जो नुकसान होगा राजस्व का उसकी भरपाई सुनिश्चित करना, इसके तहत शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या लगाएंगे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है हमें। तो आप लगाएंगे कि चारों को शामिल किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन को आप टिक लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, कर व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यह करों के संग्रह में सरकार द्वारा किए गए व्यय से संबंधित है। बिल्कुल नहीं, गलत है। यह इंगित करता है कि सरकार द्वारा कितना अधिक राजस्व एकत्रित किया जा सकता है। ये भी आपका सही है, ये क्या है? ये सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन आपका सही है, एक कथन आपका बिल्कुल सही है। एक गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेता हूँ। कर व्यय, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि यह करों के संग्रह में सरकार द्वारा किए गए व्यय से संबंधित नहीं है। ठीक है, याद रखना। इसके तहत रियायती दरों पर कर लगाने के अवसर, लागत या फिर करदाताओं को दी जाने वाली छूट, कटौती, क्रेडिट में होने वाली चूक आदि अवसर लागतों को संदर्भित करती है, यानी कि इन्हीं को शामिल करती है। दूसरे शब्दों में, यह देश में करदाताओं को प्राप्त अप्रत्यक्ष सब्सिडी 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 की सीमा को दर्शाता है एक तरह से। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, क्योंकि सही पूछा है और सही आप देख रहे हैं कि केवल दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है क्वेश्चन? देसी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में प्रतिभूतियों और विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से धारण की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल है। बिल्कुल सही बात है, क्या है? बिल्कुल सही है। किसी एक निवेशक या निवेशक समूह द्वारा किया गया विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हेतु भारतीय कंपनी की इक्विटी का 10% से अधिक नहीं हो सकता है, इससे अधिक होने पर उसे एफडीआई माना जाएगा। ये भी आपका सही है। पीएफआई को असूचीबद्ध शेयरों में निवेश करने की अनुमति नहीं है, ये भी आपका सही है। क्या पूछ रहा है? सही कथन। तो आप देख रहे हैं कि तीनों कथन इसमें सही है।
याद रखिए इस तरह की जो भी प्रावधान है बदलते रहते हैं, तो इसलिए कृपा करके आप लोग करंट से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि ये पूरा क्वेश्चन से आपका करंट पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी भी किसी भी तरह के प्रावधान बदल सकते हैं, ठीक है, सरकार कभी भी बदल सकती है। तो अभी बात करूँ तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट फेवर्ड नेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपने अभी कुछ समय पहले देखा भी होगा पाकिस्तान के संदर्भ में MFN, तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के संदर्भ में हम लोगों ने वापस लिया हुआ था। इसका अर्थ है कि यह किसी देश को किसी अन्य देश द्वारा विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें उसे MFN का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ये गलत है। यह व्यापार और विकास पर संतुलन विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत आता है। ये भी आपका गलत है। क्या है? दोनों कथन गलत है। सही क्या है? MFN सब देश को विशेष दर्जा दिए जाने के लिए विशेष वरीयता देने की बात करता है। इसका वास्तविक अर्थ अगर हम करें तो इसे अन्य सभी देशों के समान माना जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार देश आमतौर पर अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि एक देश को व्यापार में रियायत दी जाती है, जैसे कि कम आयात शुल्क लगाना, तो सभी WTO के सदस्यों को ऐसी ही रियायत दी जानी चाहिए। इस सिद्धांत को मोस्ट फेवर नेशंस ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, या WTO के नियमों के तहत आता है आपका। ठीक है, इसमें आप क्या सही पूछा था, तो आपने देखा ना तो एक सही था और ना ही दो, यानी कि आप डी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित में कौन भारतीय बैंक की असुरक्षित पूंजी निधि के घटक है? इसमें आकस्मिक निधि, परिसंपत्ति विकास निधि, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता, निवेश पुनर्मूल्यन खाता, इन चारों को सही किया गया है। सही कूट चुनना है, तो इन चारों को आपका शामिल किया जाता है। रिजर्व बैंक के आरक्षित पूंजी कोष में आप निम्न पांच घटक देखते हैं, आकस्मिक निधि, परिसंपत्ति विकास निधि, मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता और निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता और विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियां। केंद्रीय बैंक की आरक्षित पूंजी निधि उसके पास किसी भी वित्तीय आकस्मिकता का सामना करने के लिए, यानी कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए उपलब्ध एक कोष होता है। ठीक है, याद रखिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आपके पास 500 का नोट है, आपको भरोसा नहीं है, वैसे तो आप देखते हैं उस पर लिखा रहता है कि मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको भरोसा नहीं तो आप RBI के पास जाकर उतने का आप लोग या तो हार्ड करेंसी ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आप उतने का सोना ले सकते हैं जो आपका मार्केट में चल रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते हुए 2001 की जनगणना आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। गलत है। राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय है। ये सही है, सही कथन हमें बताना है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा कथन सही है। क्या है? दूसरा कथन सही है। और याद रखिए, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वितरण और राज्य के बीच ऐसे आगामों का वितरण आवंटन करता है। अनुच्छेद 275, कितना? 275 के तहत भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत शामिल रहते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाती है। और आयोग द्वारा अपनी सिफारिश प्रस्तुत करते हुए 2011 की, ना कि 2001 की जनगणना आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। याद रखिए, अगर हम लोग इनकी बात करें 15वां वित्त आयोग की, तो ये आपका 2020 से 2025 के लिए रहेगा। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। ठीक है, चलिए। तो ये थे आपके कुछ, आप एक तरह से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, आपकी परीक्षा सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ आपकी प्राव मुख्य। और याद रखिए, इसकी अगर हम लोग आपके वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में आप लोग वित्त आयोग के बारे में
देखते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है, चार सदस्य होते हैं इसमें मिलकर बनता है। एक बात आप लोगों को याद रखिए कि वैसे आप लोगों को बड़े विस्तार से वित्त आयोग के बारे में भी बता चुका हूँ, क्योंकि आपने देखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2015 को इसे स्वीकृति भी दी हुई है, और इसके कार्यकाल की 2020 से 2025 के बीच, ठीक है। एंड प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी, ये भी आपका पूछ लेता है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन है? एन के सिंह, ठीक है, श्री एन के सिंह। इन सब के बारे में, संगठनों के बारे में बात कर चुका हूँ, फिर चाहे आपके राष्ट्रीय संगठन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, इनके बारे में बड़े विस्तार से बात कर चुका हूँ। तो आपकी जो देखते हैं, आप लोग देखा होगा आपने कि आपकी महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है उसमें सभी संगठन डले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका केवल 2 कथन सही था, बी ऑप्शन। चलिए मिलते हैं हम लोग 9वीं टेस्ट में आप लोगों के साथ।